Hello everyone, here I am going to discuss the another cue card that is describe an adventure you would like to go on. एक adventure दे बारे गाल करनी जिते तुसे जाना चाहते हो जा तुसी कोई adventurous activity करना चाहते हो. With whom do you want to go? When do you want to go? What do you want to do? की करना चाहते हो, किदे नाल जाना चाहते हो और कदों जाना चाहते हो. So here you can ask, being an audacious person. Audacious दा मतलब होंदा adventurous, जिन्नू खतरे मुल लेना जा खतरे ना खेड़ना पसंद होंदा है. I always try to jump at the opportunity to do some adventurous activity. Jump at the opportunity एक idiom होंदा है जिहदा मतलब है कि मौका गवाना नहीं. तो मैं अक्सर यही कोशिश करदा कि मैं मौका ना गवावां कोई भी adventurous activity करन दे लई. Because I feel delightful after doing such kind of activities. क्योंकि मैनूं खुशी मिलदी है सब करके. I have performed few venturesome activities such as river rafting. Venturesome मतलब adventurous. मैं बहुत कुछ इदां दी activities ने जिहड़ियां मैं परफॉर्म कर चुका है, जिमें कि रिवर राफ्टिंग हो गया. एंड हैव एम्पल प्लान्स फॉर अदर एडवेंचर्स इन द फोर्थ कमिंग ईयर्स. और अगले साल वास्ते भी बहुत सारे प्लान्स हैगे ने. हेयर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन एन एडवेंचर दैट आई एम प्लानिंग टू डू शॉर्टली इज स्कूबा डाइविंग. सो आ जिहड़ा प्लान मैं शॉर्टली बनाया, मतलब शॉर्टली करांगा, वो एडवेंचर केड़ा है? स्कूबा डाइविंग दा. इट इज मोड ऑफ अंडर वाटर डाइविंग वेयर डाइवर्स यूज ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स टू ब्रीथ. एक अंडर वाटर स्विमिंग आ, डाइविंग आ, जिहड़ी कि जदों डाइविंग करदे आ डाइवर्स तां ओह ब्रीथिंग इक्विपमेंट लाउंदे आ साह लैण दे लई. एक्चुअली आई एम अ नेचर लवर परसन एंड आई ऑलवेज गैट इनर ग्रैटिफिकेशन आफ्टर ऑबजर्विंग द नैचुरल ब्यूटी टू क्लोजली. एक मैं नेचर लवर परसन हाँ तो मैनू बड़ी सैटिस्फैक्शन मिलती, इनर ग्रैटिफिकेशन मतलब सैटिस्फैक्शन मिलती आ जदों मैं नेचर नूं बहुत क्लोजली ऑबजर्व करदा हाँ. तो आई केम टू नो अबाउट दिस एडवेंचर स्पोर्ट फ्रॉम वन ऑफ माई कॉमरेड्स. मैनू मेरे फ्रेंड्स तो पता लगा सी इसदा, इस स्पोर्ट दे बारे. ही विजिटेड गोवा लास्ट ईयर विद हिज फैमिली. वह लास्ट ईयर गोवा गया सीगा अपनी फैमिली दे नाल. ही ट्राइड स्कूबा डाइविंग एट कैलंगुट बीच गोवा. उन्होंने उत्थे स्कूबा ड्राइविंग डाइविंग जिहड़ी आ ट्राई कीती सीगी कैलंगुट बीच ते. वैन ही केम बैक, जदों वापस आए, ही एक्सप्लेन मी एवरीथिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस विद मैराइन स्पीशीज. सो जिहड़े मैराइन स्पीशीज दे नाल उन्हां दी एक्सपीरियंस सीगा, उन्हें मेरे नाल आके शेयर कीता. हिज टॉक्स अलॉट मी अलॉट. अलॉट मतलब अट्रैक्ट. उहदियां गल्लां ने मैनूं बहुत ज़्यादा अपने वल खिंचिया. ही टोल्ड मी दैट ही वुड श्योरली गो देयर इन नैक्सट वेकेशन. उन्हें मैंने कहा सीगा कि वह अगली बार भी उत्थे जाएगा, अगली वेकेशन टू डू इट अगेन, दोबारा जिहड़ी स्कूबा डाइविंग करन दे लई. नाउ आई एम ऑलसो प्लानिंग टू जॉइन हिम. मैं भी प्लान कर रहा कि मैं भी उन्होंने जॉइन करा. बिकॉज वेकेशन आर अराउंड द कॉर्नर एंड इट इज़ द परफेक्ट टाइम टू गो देयर. क्योंकि वेकेशन बिल्कुल कोल ने, अराउंड द कॉर्नर मतलब वेरी नीयर. तो यह वधिया टाइम आ गोवा जाने का और स्कूबा डाइविंग ट्राई करने का. आई एम सपोजिंग दैट, मैं ये सोच रहा है कि दैट माई ट्रिप टू गोवा विल बी स्टूपेंडस. मेरा ट्रिप बहुत शानदार रहेगा, ये मैनू लग रहा है. सो द नेक्स्ट इज बिसाइड्स दिस, इस तो अलावा ही शोड हिज अंडर वाटर फोटोग्राफ्स विद डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेज. सो उस तो अलावा उन्हें अपनी अंडर वाटर फोटोग्राफ जी फिशिज के नाल से दिखाई. ऑनैसटली स्पीकिंग दोज फोटोग्राफ्स वर एक्सक्विजिट. बहुत ही शानदार फोटोज सगे. एक्सक्विजिट का मतलब होंगे सुपरब. आई वॉज फ्लैबरगास्टड आफ्टर वॉचिंग नेचुरल नेचुरस क्रिएटिविटी इन पिक्चर्स. फ्लैबरगास्टड मतलब अमेज्ड, हैरान रह जाना. मैं हैरान सगा नैचुरल ज नेचर की क्रिएटिविटी देख के. सीरीयसली आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दोज फंटैबुलस फोटोज. वो फोटोज में एक्सप्लेन करने के लिए मेरे तो कोई वर्ड्स नहीं है. आई वुड लव टू एक्सपीरियंस द स्कूबा डाइविंग एंड वॉन्ट टू सी द मेरीन लाइफ इन डीप सी वॉटर. मैं पसंद कराँगा स्कूबा डाइविंग ट्राई करना. तो मरीन जी लाइफ आ जो फिशिज वगैरह ज डिफरेंट तरह दिनिया भी फिशिज है अंडर वॉटर, उन्होंने एक्सपीरियंस करन दे लई मैनू लगता है कि बहुत वधिया रहेगा मेरे लिए. आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दैट एडवेंचर श्योरली आई विल ऑन द क्लाउड नाइन. मैनू लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा वो सब एडवेंचर एक्सपीरियंस करके. ऑन द क्लाउड नाइन एक ईडियम होंगे जिसका मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना. दैट डे विल बी अ रेड लेटर डे फॉर मी. रेड लेटर डे मतलब इंपॉर्टेंट डे. वो दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो मैं ट्राई करूँगा. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज अगेन एन idiom फॉर एंडिंग. दिस इज द एडवेंचर दैट आई वुड लव टू डू एंड इट विल बी एन इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी एवर. ये एडवेंचर है जो मैं करना चाहता हाँ, तो यह मेरे लिए ना भुलन वाला एक्सपीरियंस रहेगा हमेशा दे. सो एवें करके तुम इन एक्सप्लेन कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.